बिग बॉस OTT2 विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव को 5 दिन जेल में रहने के बाद आखिरकार आज बेल मिल गई है। एल्विश यादव को नोएडा के कोर्ट से बेल मिली है। ये बेल 50,000 की 2 श्योरिटीज पर दी गई है। ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, उनको जमानत मिल गई है ऑनरेबल कोर्ट से। एल्विश यादव को बेल मिलने की खबर सुनते ही उनके फैंस खुशी से झूम उठे हैं। एल्विश आर्मी इस बात का जश्न मना रही है। आपको बता दें कि 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को स्नेक वेनम केस के चलते गिरफ्तार किया था और 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। इसके बाद कल एल्विश यादव की बेल को रिजेक्ट कर दिया गया था। एल्विश यादव पर NDPS एक्ट की कई धाराएं लगाई गई थी। हालांकि हाल ही में नोएडा पुलिस ने अपनी क्लैरिकल मिस्टेक बताते हुए NDPS एक्ट की धाराओं में बदलाव किया, जिसके बाद आज एल्विश यादव को बेल मिल गई है। खबर ये भी है कि 27 मार्च को गुरुग्राम के कोर्ट में एल्विश यादव को पेश होना होगा। ये मामला मैक्स टर्न की पिटाई से जुड़ा हुआ है। वही एल्विश यादव के जेल जाने के बाद से ही उनके फैंस, चाहने वाले, यहाँ तक कि यूट्यूबर्स कम्युनिटी भी लगातार उनके सपोर्ट में रही, जिसमें लक्ष्य चौधरी, लवकेश कटारिया, थारा भाई जोगिंदर, पुनीत सुपरस्टार समेत कई यूट्यूबर्स का नाम शामिल है। वही एल्विश यादव की एक्स गर्लफ्रेंड कृति मेहरा भी लगातार एल्विश को सपोर्ट करती नजर आई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो करें।